इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे परेड रोड सागर मध्य प्रदेश। दो घंटे रखा रहा सब नहीं मिली लकड़ी। बंडा मुक्ति धाम में लगभग दो घंटे सब रखा रहा परंतु लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। नगर परिषद से गुहार लगाने के बावजूद भी लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार बंडा वार्ड की मांग दो निवासी भाई और बहन दोनों की मौत एक एक्सीडेंट से हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार के लिए सुबह 8 बजे से परिजन मुक्ति धाम में बैठे हुए हैं, परंतु नगर परिषद बंडा लकड़ी उपलब्ध कराने में असफल रही। आज एक बार फिर मानवता शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अधिकारी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं, कभी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते। तहसीलदार बंडा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी जवाब देने से इनकार कर दिया। श्रीमान जी से निवेदन है, दो घंटे हो चुके हैं इधर डेड बॉडी रखे। तो क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है इधर कोई व्यवस्था ही नहीं है, सरकार हमारी कोई उम्मीद नहीं है उससे। काहे कि इधर लकड़ी भी नहीं है कुछ, हम अपने घर से लेके आए हैं। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार यादव। कब से आप कब से खड़े हैं? हम लोग यहाँ दो घंटा से बैठे। अच्छा, दो घंटा से बैठे। क्या स्थिति है? दो मिट्टियाँ रखी हैं, तो क्या कह रहा है प्रशासन से? कुछ बात हुई आपकी? प्रशासन से कुछ नहीं, यहाँ पर पूछी तो बोले कि लकड़ी नहीं है, वो वहाँ चले जाओ, खुद करो इंतजाम। खुद अपने कोई उम्मीद नहीं है, कोई कॉलेज नहीं यहाँ पर, क्या कोई व्यवस्था है समझ में लकड़ी आप लोगों ने कहाँ से लाए? ये हम यहाँ से बुलवाई। भाई साहब कौन है? हाँ बोले। आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार जैन। यहाँ का कितनी देर पहले आए थे? लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। क्या समस्या है? 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, जब से लकड़ी नहीं है इसके कारण से दाह संस्कार रुका हुआ है। दुर्घटना में हाल ही में एक नौजवान लगभग 20-21 साल की उम्र का, जिसका नाम रोहित है, और उसकी चचेरी बहन जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसका नाम है रीना, पिताजी का नाम भगवान दास साहू। कहाँ के निवासी हैं? ये सब बंडा वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं और दुर्घटना में ख़त्म हो गए हैं। लकड़ी नहीं होने के कारण से दाह संस्कार करने में विलम्ब हो रहा है। लकड़ी की व्यवस्था कहाँ से हो? ये नगर पालिका प्रशासन से इसकी व्यवस्था की जाती है। नहीं, दाह संस्कार के लिए फिर बाद में लकड़ी की कहाँ से व्यवस्था? साल से लेके आना पड़ा, स्वयं निजी रूप से लाए, निजी प्रबंध किया गया, यहाँ उपलब्ध नहीं हुई कहीं भी। और ये घनश्याम साहू बंडई से बोल रहा हूँ, 2 नंबर वार्ड से। यहाँ पे आए अपनी की आरती लेके, दो यहाँ पे हम और को लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं बनी, 2 घंटा से बैठे हैं। उनने बोला कि आप अपनी लकड़िया का व्यवस्था खुद बनाए, हमारे पास नहीं है। हम लोग जो यहाँ पे ड्यूटी पे है। किन ने बोला? वो हम जो यहाँ पे जो ड्यूटी पे है, हम जब खान जो यहाँ पे ड्यूटी पे रहता है मुक्ति धाम में, वो बोला कि नगर निगम चले जाओ, वहाँ पे गए, वहाँ पे वो बोले हमारे पास नहीं, वो दादा रहते हैं यहाँ पे, वो बोले नहीं है। फिर वो कैलाश भैया गए कहीं से, फिर लकड़ी गांव से लेके आए। मात्रमों को 2 के बीच में 75 किलो लकड़ी मिली, एक लकड़ी के 1.5 क्विंटल। संज्ञान में आए हैं तो मैंने तत्काल ही मेरे प्रभारी को वहां पे भेजा और व्यवस्था सुनिश्चित करवाई, परंतु मैं अवगत कराना चाहूँगी व्यवस्थाएँ गड़बड़ाई इस कारण क्योंकि हमने 2 माह पूर्व से ही वन परिक्षेत्र अपने वन मंडल अधिकारी परिक्षेत्र बंडा को लगभग 200 फड़ी का DD भेजा हुआ था, परंतु आज दिनांक तक हमें एक बार और ऐसी समस्या आई थी, तभी 26 फड़ी ही प्राप्त हुई हैं और मेरे द्वारा लगभग कई पत्राचार भी किए जा चुके हैं परंतु वो फड़ियाँ प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण यह व्यवस्थाएँ हुई हैं। नगर परिषद वालों ने 199 फड़ी के लिए राशि जमा वनमंडल कार्यालय में की थी, उनको 26 फड़ी वहाँ से अभी प्राप्त हो चुकी है। उत्तर वनमंडल में चूँकि जलाऊ लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऊपर से डिमांड की गई है और जैसी लकड़ी आ जाती है उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। और रहा 2 सवों का सवाल, यदि उनके पास लकड़ी की अभी आवश्यकता है तो अभी हम अपने डिपो से उनको 2 सवों की लकड़ी दे सकते हैं।